पिछले कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हमें कमजोर एसिड समझते हैं, वो असल में कितना खतरनाक एसिड है। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से पिराना लिक्विड बनाया था, जिसका रियल में क्या खतरनाक रिजल्ट निकला था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक चीज डालने पर ना ही सिर्फ गलाता है बल्कि एक एक्सप्लोजन भी होता है। ऑर्गेनिक मतलब कोई भी खाने पीने की चीज। और इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ने वाली है, और ये वही पोटेशियम परमैंगनेट है जिसकी वजह से हमने अपनी इस वीडियो में बावाओं का भांडा फोड़ किया था। एंड इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने इस सोल्यूशन का नाम ग्रीन हल्क रखा है। अब मैंने क्यों उसका नाम ग्रीन हल्क रखा है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल इसके बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इस फिगर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट कर लेंगे, और इन दोनों के बीच कोई भी रेशियो नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों की मदद से एक पेस्ट बनाना है जो कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक खतरनाक एसिड है, तो एसिड कैसा भी हो आप लोगों को सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। और हाँ, मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो आप लोगों को घर पर ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है बिना सेफ्टी के। तो मैं 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ। अब हम इस बीकर में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट भी मिला लेते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट हम जब तक मिलाएंगे जब तक थोड़ा लिक्विड फॉर्म वाला एक पेस्ट ना बन जाए। पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ढक्कन बंद करके रख देते हैं साइड में। तो अब पोटेशियम परमैंगनेट मिला लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और हमें विशेषकर ध्यान रखना है भाई, क्योंकि बहुत तगड़ी रिएक्शन होती है इसमें जब हम पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं। देखा आप लोगों ने, मैं आप लोगों से हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि दो केमिकल्स को आपस में कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट फिर से मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलाएंगे और साथ के साथ उसे घोलते भी रहेंगे। तो मैंने इसी वजह से इसका नाम रखा था ग्रीन हल्क, क्योंकि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे ग्रीन कलर का लिक्विड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे, और यहाँ भी देख सकते हो आप लोग। तो ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है ये है हमारा मैग्नीशियम हेप्टोक्साइड, और ऊपर जो ये पर्पल कलर है ये हमारा वेपर था। तो हमारा सोल्यूशन बन के तैयार हो चुका है। अभी हम लोग इसमें ऑर्गेनिक चीजें डालेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेंटर फ्रूट है, तो मैं सेंटर फ्रूट इसके अंदर डालूंगा और देखूंगा भाई क्या रिएक्शन होगी। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो, जब मैंने अपने सॉल्यूशन में सेंटर फ्रूट डाली तो क्या ही रिएक्शन हुई, एकदम से आग भी लग गई, और थोड़ा हमारा जो सेंटर फ्रूट है वो पूरा का पूरा भाई गायब हो चुका है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे अलग अलग ऑर्गेनिक चीजें, जैसे कि लहसुन हुआ, प्याज हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो चलो यार वन बाय वन ट्राई करते हैं। देखो गाइस इस कोटर का क्या हाल होता है। तो गाइस यार हम लोग डाल चुके हैं अलग अलग चीजें, लेकिन अभी हम डालेंगे एक साथ। जैसे कि हमारे पास कॉटन है और यहाँ पे लहसुन प्याज भी है, तो एक साथ डालते हैं इसको। तो गाइस यार मुझे भागने का भी मौका नहीं मिला, और जैसे ही मैंने इसमें सारी सारी ऑर्गेनिक चीजें डाली एकदम से इसमें आग लग गई, और भाई एक धमाका भी क्रिएट हुआ एंड बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी। और जो गिलास है ना अभी तक भी गर्म है, देखो बहुत ठंड हो रखी है बट अभी भी हमारा जो गिलास है वो गर्म है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसमें भाई एथेनॉल अपने सॉल्यूशन के साथ, करें ट्राई। चलो यार इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं फिर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने दूसरा सॉल्यूशन बना लिया है, अभी हम लोग इस ट्यूब की मदद से एथेनॉल कर लेते हैं।
और गाइस जो हमने इस सॉल्यूशन में एथेनॉल को मिलाया तो काफी अच्छा नजारा देखने को मिला, और हमारा जो जार था उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब थोड़े फायरवर्क्स से फूट रहे हो। तो यार एक्सपेरिमेंट या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी आइडियाज आता है तो आप लोग कमेंट किया करो यार, जो भी अच्छा कमेंट होगा उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड बस इतना ही यार।